अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इसके लिए मन में दृढ़ निश्चय और सच्ची लगन होनी चाहिए। जब मन में सच्ची लगन होती है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी अपना रास्ता खुद बदल देती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है दिल्ली की जुड़वा बहनें अंशिका और अंशु ने। कई समस्याओं को झेलकर वो सिमडेगा में चल रहे 11वें सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप में खेल रही हैं। तो पहले हम इतना नहीं जानते थे इसके बारे में, लेकिन स्कूल में जब करते खेलते थे ना, तो हमारे स्कूल टीचर ने भी कहा कि तुम ज्वाइन कर लो। फिर कोच ने हमें देखा तो फिर उन्होंने बोला कि तुम नेशनल खेल सकती हो, इस गेम को कंटिन्यू रखना। तो इस वजह से फिर हम खेलने लगे। पापा भी पापा पहले मना करते थे, लेकिन अब पापा भी सपोर्ट करते हैं। हॉकी की प्रैक्टिस करने के लिए अंशिका और अंशु को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लड़की होकर खेलने जाने पर सामाजिक ताने तो मिलते ही थे, साथ ही साथ घर के लोग भी इस मामले में काफ़ी सख्त थे। लेकिन इस विपरीत समय में उसकी मां ने उनका पूरा सहयोग किया। मां ने ढाल बनकर इन दोनों बेटियों के सपनों की हिफाजत की और उसे अपना भरपूर सहयोग दिया। कई प्रकार की आर्थिक दिक्कतें भी सामने आईं, लेकिन इन दोनों ने संघर्ष जारी रखा। सफर तो बहुत अच्छा था, बहुत एक्साइटेड भी थे क्योंकि हमारा पहला नेशनल था। हमें पता भी नहीं था मतलब नेशनल में क्या क्या हुआ, कैसे खेला जाएगा, बट जब आते गए तो बहुत खुशी मिली। और यहाँ सिमडेगा गांव मतलब सब चीज़ की कोई कमी नहीं है, खाना भी अच्छा, रहने के लिए भी अच्छा। मतलब सुना जाता था नेशनल में कभी रहने को अच्छे नहीं, मतलब कुछ खाना का भी अच्छा नहीं दिया जाता, बट यहाँ सारी चीज़ है। और मतलब अपना बेस्ट दो, पहले तो नहीं मिलता था, बट अब पूरे मतलब पूरी फैमिली, पापा मम्मी सब सपोर्ट करते हैं। यहाँ लाइव वो होता है ना, तो लाइव भी देखते हैं हमारा मैच। बेटियों को सशक्त बनाने और उसकी सुरक्षा को लेकर सरकार तरह तरह के दावे कर रही है, लेकिन पारिवारिक समस्या और सामाजिक तानों की वजह से आज भी बेटियां कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही हैं। जरूरत है कि सरकार और प्रशासन अंशिका और अंशु की मदद करे ताकि वो हॉकी में देश का नाम रोशन कर सके। मुकेश कुमार, ईटीवी भारत, सिमडेगा।